दोस्तों हम आपको आज एक ऐसी चीज़ टेस्ट करवाने वाले हैं जो ना सिर्फ एक स्ट्रीट फूड है बल्कि एक डिज़र्ट भी है। हम लोग आपको टेस्ट करवाने वाले हैं बीकानेर की स्पेशल रबड़ी। हम आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं करवाएंगे, हम आपको उसकी मेकिंग भी दिखाएंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं दिखाई। सो वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ स्ट्रीट फूड फ्रॉम बीकानेर। हेलो फ्रेंड्स, माइल्स विद मेमोरीज इन कोलैबोरेशन विद फूड गैलरी एंड गणेश सिंह फोटोग्राफी। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं मनका महाराज रबड़ी वाले के यहाँ पे, जो कि बड़े बाजार के अंदर सिचुएटेड है। चलिए मिलते हैं अशोक कुमार जी से, जो मनका महाराज रबड़ी वाले के सारे ऑपरेशन हैंडल करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, रबड़ी आपकी पूरे शहर में बहुत फेमस है, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, पर मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ इसका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे वो एंड जो प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं वो कैसे कहाँ से शुरू होता है, कैसे पहुँचता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग रहती है? जैसे इसमें 7.5 किलो दूध है कढ़ाई जी। जी, 7.5 किलो दूध का लगभग हमारे 1.25 घंटा लगता है जी। 1.25 घंटा बाद में ये सारी रबड़ी तैयार होती है। तो सबसे पहले ऐसे आप कढ़ाई के अंदर दूध 1.25 घंटे तक उबलता रहता है? 2 घंटे तक दूध उबलता है। ठीक है, तो लगभग ये समझ लो एक आदमी को इसके साइड में रखना पड़ता है जी। वो आदमी इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि अब जिसका ये प्रोसेस चल हो गया जी, तो अब ये कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब ये इस तरह के सारे 2 आदमी लगे रहेंगे जी, जो इसको मलई आ रही है साइड में वो अलग अलग करता जा रहा है। ये मलई इकट्ठा होकर बाद में ये रबड़ी का प्रोसेस बन जाएगा। तो सर, ये किस तरीके से ये अच्छे इकट्ठे होते हैं मलई आप जो इकट्ठे करते हैं? ये सारी मलई है जो ये आ रही है। ठीक है, जैसे दूध उबड़ आ रहे हैं जी, उसमें ये जो मलई आ रही है इसको आप यूँ साइड में इकट्ठा करते हैं? इकट्ठा करना इस मलाई को जी, और ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे ये गाढ़ी हो जाती है। ये 1.5 घंटा इसमें लगना, 2 घंटा इसमें लगता है। ठीक है सर, ये 1.5 घंटे से। तो जैसे ये वाइट दूध, आप इसके अंदर क्या कलर येलोइश आ जाता है, क्या क्या डालते हैं? केसर का कलर होता है, केसर का ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं क्योंकि हमारे दादा परदादा ने ये शुरू किया। सर, कितनी जनरेशन से ये? हमारी जनरेशन होगी जैसे 5 जनरेशन। तो लगभग 400-500 साल से आप रबड़ी पूरे शहर को खिलाते हैं? खिलाते हैं, बहुत बढ़िया। मेरे पापा के नाना जी ने शुरू किया था। अच्छा, तो सर जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ दूध उबल रही है, मलाई है जो धीरे धीरे साइड करते जा रहे हैं, हम जो एंड प्रोडक्ट खाते हैं वो लच्छा काफ़ी थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। तो ये 1.5 किलो दूध की कढ़ाई के अंदर कितना क्वांटिटी और अभी तैयार होता है? कितना? 2 किलो बनेगा ये। 2 किलो? 2 किलो। बहुत बढ़िया सर, आपसे इन्फॉर्मेशन जो है मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, मैं खुद इसे बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच हमारे चैनल आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, और जब उसकी मेकिंग हमने शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो इसका टेस्ट भी आप सब लोगों के साथ बांटना बिल्कुल बनता है। चलो टेस्ट करते हैं। स्वीटनेस परफेक्ट है बिल्कुल। और ये मेरा पहला ट्राई है, मैंने कभी ट्राई नहीं की इससे पहले रबड़ी। बहुत बार, हजारों बार।